ये इसका पेट है, एक बच्चा छुपा के रखा है इसने भी। जिंदगी का एक ही सपना है, ये है जिंदगी का सपना। ये जो बाइकर्स जा रहे हैं ना, देखो पैर उसके बाहर है और गाड़ी खुद खुद पीछे जा रही है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करता हूँ हम लोग सब बढ़िया होंगे, आराम से फिट होंगे। तो मुझे यकीन नहीं था सुबह उठने के बाद ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा, यकीन नहीं था। देखिए भाई कितना खूबसूरत नज़ारा है हमारे होटल के सामने ही है। ये सोचा नहीं था मैंने, मैंने बोला रात को हम किसी खंडर में रुक चुके हैं क्योंकि यहाँ पे होटल मिला ही नहीं हमें रात को। मैं इमरजेंसी में यही करना पड़ा क्योंकि एक ही रूम था इनके पास भी अवेलेबल, तो फिर हमें उसमें वो यार इतना गंदा था क्या ही बताऊँ। मतलब मैंने नींद बिल्कुल भी नहीं की क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा था वो, तो फिर एडजस्ट करना पड़ा। जब निकले घूमे तो फिर एडजस्ट करना पड़ता। अभी बस 7:30 बज चुके हैं, अभी मैं उनको उठाने जा रहा हूँ। मैं शाकिर उठ गया मेरे से पहले और फिर मैं उठ गया हूँ। मैं फ्रेश होके तैयार होके हो चुका हूँ, अभी बस मुझे उन बंदू को उठाना है और उसके बाद हम निकल जाएंगे अपनी जगह की तरफ जहाँ पे हमें पहुँचना है। और मौसम का कोई गारंटी नहीं है, मौसम ख़राब भी हो सकता है, मौसम ठीक भी रह सकता है, अभी कुछ पता नहीं है उस चीज़ के लिए। तो अभी करते हैं यार, उनको उठाते हैं उन बंदों को, फिर चलते हैं। ये 102 हमारा रूम है। शाकिर भाई, सानिब, एक बंदा सोया ही है, उबैद सोया हुआ है, ये इसका पेट है, एक बच्चा छुपा के रखा है इसने भी। अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से और हम जा रहे हैं आप लद्दाख। लह से निकल चुके हैं तो हमारी गाड़ी ये रही। बहुत अजाब हो चुका है इस गाड़ी को, बहुत ज़्यादा। चलो इसको रात को रेस्ट मिल गया, गाड़ी को भी, ये भी ठीक हुआ। तो अभी हम निकल रहे हैं लद्दाख की तरफ, तो मिलते हैं आपको आप सीधा थोड़ी देर बाद। अभी हम पहुंच चुके हैं मेन मार्केट में, होटल से निकल चुके हैं हम। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा कश्मीरी ढाबा दिखा हुआ है, तो यहाँ पे नुनचाय मिल जाती है। तो मैं तो नुनचाय पीऊँगा क्योंकि मैंने लिटरली पीता नहीं हूँ, मैंने कल से बिल्कुल भी चाय नहीं पी है। और ये इनका मार्केट है, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा मार्केट नहीं है क्योंकि इसके बाद जो है पहाड़ी इलाका है, बस पहाड़ पहाड़ दिखेंगे। वहीं पे हमें दुकान कुछ नहीं मिलेगी, तो हम यहीं पे चाय पी के निकल जाते हैं। तो हम पियेंगे अभी चाय फिर निकल जाएंगे क्योंकि हम कम से कम 2 बजे तक पहुंच जाएंगे, ये कहने का है सबका। तो 2 बजे तक पहुँच जाओगे तो इसलिए हम पियेंगे चाय पहले। हमने पी ली है अभी, सानिब, उबैद और शाकिर चाय पी रहे हैं, इसके बाद हम निकल जाएँगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ पाकिस्तान का बॉर्डर दिख जाता है, यहाँ से दूरबीन भी देखना पड़ता है अगर वहाँ पे जाओगे तो। हमने बोला नहीं, वहाँ पे हम नहीं जाएंगे, देखते हैं अगर वहाँ पे इनका मन हुआ तो जाएंगे, अगर नहीं। मेरा तो मन बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मुझे लह पहुँचना है किसी भी हाल में, सवेरे जितना भी हम पहुँचेंगे, क्योंकि सवेरे पहुँचेंगे तो बहुत जगह दिख जाएंगी, अगर हम लेट पहुँच गए तो बहुत जगह कम दिख जाएंगे हमें। तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है इन्हें क्या करना, अभी प्लान अभी हुआ नहीं है, अभी देखते हैं क्या होता है, फिर हम निकल जाते हैं। देखते हैं किस तरफ निकल जाएंगे, लह की तरफ निकलेंगे या उस तरफ निकल जाएंगे। ज़िंदगी का एक ही सपना है, ये है ज़िंदगी का सपना। ये जो बाइकर्स जा रहे हैं ना, बस ऐसे मैं भी जाऊँ, ऐसा ही अपना ग्रुप हो और हर एक जगह देखनी है मुझे, हर एक जगह। भाई कम से कम 10-12 बाइकें थी ना, ज़्यादा 10-15 बाइकें थी भाई। भाई क्या मज़ा आता होगा ना, लीन बहुत खतरनाक मार रहे क्योंकि रोड क्लियर है ना, और मजा भी है ना भाई, बाइक का अलग मजा। और ऊपर से हिमालयन जब हो भाई, फिर इसके हिमालयन ही है भाई, तो बोला ऊपर से हिमालयन हो तो फिर किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती भाई साहब। अलग ही नजारा मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, देखो अगर दिखेगा। वो जा रहे हैं, देखो वो सब लोग, देखो ये है वो बाइकर्स, सब रुक चुके हैं और ये सब लोकल बाइकर्स है। मुझे लगता है रेंट वाली बाइकें हैं ना सनी भाई, रेंट वाली है ना ये भाई। देखो परफेक्ट एकदम राइडिंग गियर पहन के जा रहे थे, सब कुछ इनका है ना। और ऊपर से क्या है ना, ये चीज के पीछे कौन चलेगा और आगे कौन चलेगा, ये इनका ठीक है। तो मतलब पीछे अगर ये वाला भाई है ना तो ये आगे नहीं जाता है, ये पीछे रुकेगा। देखो अभी भी देखो सब अपने अपने हिसाब से निकल रहे भाई। ओ भाई, अब अभी हम यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, अभी हम रुक चुके हैं थोड़ा सा, थक बहुत गए हैं गाड़ी में बैठ बैठ के, बहुत ज्यादा थक चुके हैं। और ये देखो ये नज़ारा कितना प्यारा है भाई, ये चीज़ें देखने में अलग ही मज़ा है भाई। मगर बाइक पे मज़ा आएगा, बहुत ही ज़्यादा बाइक पे मज़ा आएगा यहाँ पे आना, गाड़ी में उतना मज़ा नहीं है भाई, बैठो फिर वो, बाइक पे अलग ही मज़ा है। जहाँ पे मन करे वहाँ पर जाओ, वहाँ पे मतलब ये देखो यहाँ पे हमें थोड़ी गाड़ी चढ़ा रही,
तब भी दिल में ये था कि गाड़ी लग ना जाए, नीचे से कुछ ना जाए। अभी तक हिमालयन इतनी बाइकें यहाँ पे थी, इतनी बाइकें थी, सारी निकल गई, इतनी बाइकें थी, उन्हें टेंशन नहीं था, वो किसी भी जगह जा सकते थे। हिमालयन में कोई टेंशन नहीं है, गाड़ी में थोड़ा मसला रहता है, गाड़ी कहीं लग ना जाए, कुछ ना हो जाए। यहाँ पे थोड़ी एंट्री करवा दी हमने, यहाँ पे एंट्री करनी पड़ती है यहाँ पे, तो यहाँ पे नाम अपना, गाड़ी का नंबर और हम कहाँ से है वो बताना पड़ता है, बस ज्यादा कुछ नहीं। आधार कार्ड कुछ नहीं दिखाना पड़ता, बस बताना पड़ता है कितने जने हो, लड़की साथ है, लड़का साथ है, कितने हो, बस सब कुछ। तो यहाँ से ये बोल रहे हैं 100 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगेगा। बस ये थोड़ी सी फॉर्मेलिटी थी वो पूरी करनी पड़ती है यहाँ पे, बाकी कोई इशू नहीं है यहाँ पे। तो अभी हम एक जगह पे पहुँचे हैं जहाँ पे टूरिस्ट इंफॉर्मेशन मैप यहाँ पे लिखा गया है, ये सामने सब यहाँ पे फोटोज खींच रहे हैं और यहाँ पे भी सब फोटोज खींच रहे हैं। तो सानिया भाई बाहर निकले हैं, वो भी थोड़ा सा रील्स वील्स बना रहे हैं, तो मैं भी बाहर जाऊँगा। बाहर बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही है, और शाकिर को सर्दी लग रही है, वो अपर पहन रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है। और थोड़ी सी यहाँ पे मुझे लगता है ना ऑक्सीजन की कमी थोड़ी सी यहाँ पे लग रही है मुझे, और कहीं पे मुझे लगा नहीं, बस थोड़ी सी यहाँ पे लगी मुझे ऑक्सीजन की कमी है यहाँ पे थोड़ी। अभी हम बाहर जाते हैं, देखते हैं, बाहर भी दिखाएंगे आप लोगों को। ये देखो भाई, कोई जैसे ये यूट्यूबर है तो इसने अपना यहाँ पे डाल दिया है, तो हर किसी ने, मैंने, मेरे पास है ही नहीं, मैं क्या डालूँगा अभी मेरे पास है ही नहीं, वो इसी करके मैं डालने वाला है। अभी मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, और अभी यहाँ से निकलते हैं। जो ये रोड है, ये बहुत यूनिक रोड है, यूनिक प्लेस है यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर चारों तरफ क्या है ना, मैदान ही मैदान है और साइड साइड में पहाड़ है, और ये रोड बहुत लंबा जाता है, इसकी नज़र नहीं मिलती, और इसके लिए बहुत इंतज़ार कर रहे थे ये सब जने, क्योंकि इनको यहाँ पे क्या है ना रील्स बनानी थी, तो अभी ये बना रहे हैं रील्स, मैं भी बना लेता हूँ एक दो, और फिर हम यहाँ से निकल जाते हैं। भाई साहब पहुँच चुके हैं मैग्नेटिक हिल एरिया, यहाँ पे कुछ भी डाल दो, जिस साइड आपको डालना होगा वो उस साइड वापस आएगा, अगर आप उस साइड डालोगे तो वो नीचे ही जाएगा, ऊपर जाएगा नहीं, और इस साइड डालोगे तो वो उधर ही जाएगा। तो ये मैग्नेटिक हिल का यहाँ पे बता रहे हैं, यही है इसका रीज़न, इसको इसलिए मैग्नेटिक हिल बोलते हैं। और यहाँ पे बाइक चला जाती है, और यहाँ पे 1200 रुपया एक 2 किलोमीटर सिंगल सीट, एक ही बंदा चला सकता है, जो बंदा लेगा वही चला सकता है 1200 रुपया। तो हमें उतना वर्थ नहीं लगा, उतना बेकार ही लगा, ये क्या 1200 रुपये, तो बहुत महंगा है ये, और फिर वो ज़्यादा भी नहीं 1 किलोमीटर यूज़ करना, ज़्यादा नहीं, उतना असर पसंद नहीं आया। यहाँ पे बहुत ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे। अभी 5-10 मिनट यहाँ पर रुकेंगे, फिर हम निकल जाएंगे। ये एरिया मैग्नेटिक हिल है, वो आपने वीडियोज़ में सुना होगा मैग्नेटिक हिल का, तो ये वही है। ये देखो भाई, गाड़ी इसने न्यूट्रल में छोड़ दी है, देखो गाड़ी खुद ब खुद पीछे जा रही है, हवा से जा रही है, मैग्नेटिक से असर है कुछ नहीं पता, मगर देखो गाड़ी खुद ब खुद पीछे जा रही है भाई। देखो पैर उसके बाहर है, देखो पैर उसके बाहर है, और गाड़ी खुद ब खुद पीछे जा रही है, इसी को कहते हैं मैग्नेटिक हिल। तो भाई रोकना दे, रोकती भाई, अभी भी वीडियो बना रहे हैं, और मेरा भी वीडियो बन गया, अपना काम भी निकल गया इसमें, हमें वरना हमें अपनी गाड़ी डालनी थी, अब इनकी गाड़ी डाल दी, वही अच्छा हो गया। फाइनली फाइनली गाइज, हम लद्दाख पहुंच चुके हैं, और हम इस वक्त लद्दाख में हैं। ये लद्दाख का मार्केट है भाई, ये मेन गेट है, यहाँ से एंट्री हो जाती है, तो लद्दाख में एंट्री हो गई। तो पीछे इसका तगड़ा मार्केट है, पीछे आगे भी मार्केट बहुत अच्छा है। पहले हम अपने लिए होटल देखेंगे, कुछ खा लेंगे, और फिर रेस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे, नहाएंगे, कपड़े चेंज करेंगे, क्योंकि 2 दिन से यही कपड़े पहने बैठे हैं भाई, तो बोर हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि रास्ता ऐसा था ना भाई कि मतलब कहीं पे कुछ दिख रहा ही नहीं रहा था, बस पहाड़ पहाड़ दिख रहे थे, तो इसलिए अब मतलब थोड़ा सा मार्केट दिखा है तो दिल खुश हो गया है। तो पहले हम खाने का इंतज़ाम कर लेंगे कहीं पे, फिर जाके हम निकलेंगे मार्केट, है ना सना भाई? बिल्कुल, बिल्कुल, थक चुके हैं, पहले फ्रेश होके फिर जाएंगे बाहर, फिर जाएंगे बाहर हम। तो ये फिर हम दिखाएंगे आपको लद्दाख का पूरा मार्केट जो होगा, ठीक है, चलो मिलेंगे आपको हम थोड़ी देर बाद। तो अभी हम होटल पर पहुँच चुके हैं, यहाँ पे हमने होटल ले रखा है, ये एक सेकंड खुल गया। तो भाई साहब ये है हमारा कमरा, ये यहाँ पे रखते हैं, पर्दों को हटा देते हैं। तो ये है बाहर का नज़ारा, आप खुद देख लीजिए, और सामने पहाड़ी है चारों तरफ। तो ये बेड है हमारा,
तो ये है वॉशरूम, अभी चेक नहीं किया हमने, मैं अभी खुद कर रहा हूँ चेक। तो ये वॉशरूम है हमारा, तो ये हूँ मैं, ठीक है। अभी वो बंदे गाड़ी पार्किंग में लगाने वाले, फिर जाके आएंगे वो, तब तक मैं आपको रूम दिखा दूँ। तो अभी मैं पहले नहाता हूँ और फिर कपड़े चेंज करता हूँ, फिर उसके बाद हम निकल जाते हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी है, बहुत ज़्यादा। फिर हम आपको लोकल मार्केट दिखाएंगे और फिर देखते हैं कहाँ पर प्लान इनका बन जाएगा, कहाँ जाएंगे। नहीं बनाएंगे प्लान तो ठीक, तो वरना फिर कल सुबह ही निकल जाएंगे वापस, अगर तो वरना हम जाएंगे कहीं। तो पहले तैयार होते हैं, फिर मिलते हैं आपको, और करते हैं सुलह आपको यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।